एक तरह से गोवर्धन पूजा के दिन आज छप्पन भोग का आनंद ले रहे होंगे यहाँ पर भगवान शिव। और जिस तरह से हम लगातार अद्वैत की बात कर रहे हैं जो भगवान आदि शंकर के साथ उनके प्रधानमंत्री जी ने आज बाबा केदारनाथ की उस पावन को एक तरह देवभूमि से जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है और पूरे देश को नहीं मैं कह सकता हूँ कि पूरे संसार को एक संदेश दिया है कि ऋषि मुनियों की धरती है, ये देवस्थली है, यहाँ जो भी आएगा वो आशीर्वाद लेकर के जाएगा। और जो दूसरा उन्होंने कहा है कि इन चार धाम की यात्रा जो करेगा वो उनके कहने का अभिप्राय था कि वो पिछले सात कर्मों में अगर कोई गलत काम किया हो तो वो माफ़ हो जाएगा और आने वाले सात कर्मों आने वाले सात पुस्तों के लिए जो है वो स्वीकार करके जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद करता हूँ और साथ में हम सब जो लोग आए हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विचारों को सुनने के लिए जो है आज सुबह से हम भी 5 बजे से घर से चले हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में हमारे शिव जो यहाँ पर विराजमान है, मैं इनको भी दीपावली के इस पावन पवित्र अवसर पर अपनी तरफ से अपने सभी साथियों की तरफ से यह नमन नमन प्रणाम करता हूँ। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान केदारनाथ जी के दर्शनों के साथ एक आध्यात्मिक और भारत की विरासत और संस्कृति का जो संरक्षण और संवर्धन का जो संदेश केदारपुरी से दिया, वास्तव में ये अविस्मरणीय और सदियों के बाद जिस वस्तु की जिस दिशा की देश को आवश्यकता थी आज वह देश उस दिशा में बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि महाराज विक्रमादित्य के बाद भारत की जितने भी प्राचीन स्थान, देव स्थान, धर्म संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही थी या जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उन देवालयों को पुनरुद्धार कराया। इसी कड़ी में सदियों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अवतार हुआ इस भारत भूमि के लिए और इस भारत भूमि को जो स्वर्णिम दिशा मिल रही है अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, इस विरासत को वास्तव में आज चार चांद लग रहे हैं और दुनिया को जो भारत से संदेश जाता था ज्ञान का, शांति का, सौहार्द का, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है
उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।